गाइस वेलकम टू द मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों ये हमारे तीन चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजी मित्रा, एडूला मित्रा। इनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर कर। आज की वीडियो है ऑपरेशन रावण वध। ये एक एकदम नई तरह का सब्जेक्ट है और वैश्विक आतंकवाद के ऊपर आज की हमारी वीडियो। पहले देखो ये टाइटल है इसका वीडियो का, ऑपरेशन रावण वध। जबकि आज का अपना जो सब्जेक्ट है वो है वैश्विक आतंकवाद। पहले हम थोड़ा रावण के बारे में देखते हैं, फिर हम चलेंगे मुद्दे पर। लॉर्ड श्री राम हैड किल्ड रावणा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट रावणा वाज डिफीटेड ओनली बाय श्री राम, बट दिस इज नॉट ए ट्रू। इवन बिफोर श्री राम रावण हैड लॉस्ट टू 4 पीपल। Before Lord Sri Ram, Ravana had been defeated by Shiva, यानी जो शिव शंकर भगवान है, King Bali, Bali एक बहुत बलशाली राजा हुआ है, Bali एक Bali भी बहुत बड़ा राजा हुआ, and the thousand arm Arjun, सहस्र बाहु बोलते हैं जिसको, उसका नाम अर्जुन था। इन चारों से भी रावण पहले हार चुका है। When and how Ravana was defeated by these four? We will tell in another video. इसके बारे में तो हम अगली वीडियो में बताएंगे, इसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। Today's video is on the killing of Ravan of terrorism. यानी जो आतंकवाद का रावण पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसके ऊपर आज की वीडियो फोकस है। ये बेसिकली जो अपना कनाडा की प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनको फोकस करके बनाई गई। वो यहाँ पर ग्रुप 20 में तो वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने के एजेंडे पर साइन करके गए थे और कनाडा जाने के बाद उनके सुर बदल गए और एक आतंकवादी जो निझर करके था उसको कनाडा का नागरिक बताने लगे। कोई भी आतंकवादी है किसी भी देश का नागरिक नहीं हो सकता, उसका अपना हिडन एजेंडा होता है और वो हमेशा उस देश को नुकसान पहुंचाता है। इस बात को मिस्टर जस्टिन ट्रूडो को दिमाग में रखना चाहिए। और इसके ट्रांसलेशन था भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम से पहले भी 4 लोगों से हार चुका था। भगवान श्री राम से पहले रावण शिवजी, राजा बलि, बाली और शस्त्र बाहु अर्जुन से भी पराजित हो चुका था। इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था ये हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो आतंकवाद के रावण के वध पर है। अब मैं आगे पूरी वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड करूंगा और जो ऊपर इंग्लिश दी हुई है, जो हमारे इंग्लिश वाले भाई हैं वो उसमें ऊपर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे रामायण के रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, वैसे ही जो वैश्विक आतंकवाद का रावण है उसके भी 10 सिर है। और वो 10 सिर कौन से हैं? टेररिज्म, नंबर 2 गोल्ड सिल्वर डायमंड स्मगलिंग, ड्रग एनिमल वुड स्मगलिंग, नंबर 4 एक्सटॉर्शन, नंबर 5 गैम्बलिंग, नंबर 6 किडनैपिंग, पेटल नट मर्डर, ऑनलाइन फ्रॉड, नंबर 8 हवाला, नंबर 9 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नंबर 10 प्रोस्टिट्यूशन। यानी आतंकवाद, सोना चांदी हीरे की तस्करी, नशीली दवाओं पशु लकड़ी की तस्करी, जबरदस्ती वसूली, जुआ, अपहरण, सुपारी देकर हत्या, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हवाला, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति। इन बुराइयों से सारे देश जो है त्रस्त हैं और आतंकवाद इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और कई कंट्री तो पूरी आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुके हैं, जैसे पाकिस्तान है और भी कंट्रीज। अब मैं आपको पहले बताता हूँ 10 टेररिस्ट अटैक्स इन हिस्ट्री। हमें जस्टिन ट्रूडो को ये बताना है कि दुनिया में आतंकवाद किस रूप में निरंकुश हो चुका है और कौन कौन सी घटनाएं मेजर 10 हुई हैं। एक बार हम उनको 10 घटनाओं के बारे में बता। शुरुआत में लोगों की इच्छा, ये पहली आतंकवादी घटना थी। इन द बिगिनिंग द पीपल विल, 1 मार्च 1881 को रूसी क्रांतिकारी संगठन द पीपल्स विल के सदस्यों ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। द
जबकि सिकंदर के निरंकुश शासन का विरोध किया गया था। उसके शासनकाल में रूस के राज्य और अर्थव्यवस्था के सुधार और आधुनिकरण की दिशा में कदम उठाए गए। सबसे पहले तो आतंकवाद की ये द पीपल्स विल के नाम से आतंकवादियों ने हमला बोला था रूस में। अब नेक्स्ट चीज, दूसरी घटना थी इर्कन जायनिश टेररिज्म। 2 जुलाई 1946 को जायोनी आतंकवादी संगठन इर्गुन के सदस्यों ने जो फिलिस्तीन में यहूदी राज्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे थे, यरूशलेम में किंग डेविड होटल के तहखाने में एक बम विस्फोट किया। ये भी बहुत मेजर घटना थी और इसमें काफी लोग मारे गए। नेक्स्ट सीट, और तीसरी घटना थी म्यूनिक ओलंपिक 1972। 9/11 के हमलों से पहले जो अमरीका पर हुआ था 9/11 का हमला, जिसमें टावर को उड़ा दिया गया था और 2-3 पायलट तो जो है वो आतंकवादी एरोप्लेन उड़ा रहे थे, वो जो है ना हिचक गई, नहीं तो पेंटागन की टावर भी उड़ती और भी एक दो टावर उड़ती और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होता। कमर्शियल ग्रेड टावर तो उड़ा ही दी थी उन्होंने। 9/11 के हमलों से पहले अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे कुख्यात उदाहरण जर्मनी के म्यूनिख में 1972 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीटों का अपहरण और हत्या की। 5 सितंबर की सुबह फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर के 8 सदस्यों ने इजरायली एथलेटिक टीम के छात्रावास पर हमला किया। ये तीसरी एक बड़ी आतंकवादी घटना थी। और चौथी आतंकवादी घटना थी द रेड ब्रिगेड, यानी लाल ब्रिगेड के नाम से इटली के कट्टरपंथी वामपंथी आतंकवादी आंदोलन रेड ब्रिगेड के सदस्यों ने 17 मार्च 1978 को पूर्व इतालवी प्रधानमंत्री एल्डो मोरो का अपहरण कर लिया। लगभग 2 तनावपूर्ण महीनों के बाद आतंकवादियों ने मोरो की हत्या कर दी। इतना नरसंहार हमला था और 9 मई को उनके शरीर को रोम में फेंक दिया। मोरो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल का प्रमुख और इटली में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक था। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इस घटना को ध्यान से देख लो, कभी भी आतंकवादी तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आतंकवादियों के दम पर सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और ये आपको और आपकी सरकार को और कनाडा को तीनों को ही ले डूबेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहो और भारत के साथ रिश्ते खराब ना करो, भारत एक उभरती हुई शक्ति। मिस्टर इस्लामिक जिहाद और राष्ट्रपति अनवर सादात, ये विश्व की 5वीं जो है आतंकवादी दुर्घटना थी, आतंकवादी हमला था। अक्टूबर 1981 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की मिस्र के इस्लामिक जिहाद के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो एक आतंकवादी समूह था जो कई साल पहले मुख्य धारा की मुस्लिम ब्रदरहुड से अलग हो गया। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, देख लो ये हर घटना अलग देश की है और अलग अलग आतंकवादी समूह द्वारा की गई है, इसलिए आप भी जो खालिस्तानी ये गुंडे पाल रखे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग पाल रखे हैं, क्रिमिनल पाल रखे हैं, इनसे सावधान रहो, नहीं तो आपका हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाए। और यह छठी घटना, द यूएस मेरीन बैरक्स इन लेबनान, लेबनान में अमेरिकी समुद्री बैरक, यानी ये आतंकवाद की छठी घटना है। आतंकवादी समूहों के लिए एक उपकरण के रूप में आत्मघाती बम विस्फोट की क्रूर प्रभावशीलता को 23 अक्टूबर 1983 की सुबह दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था। लगभग 6:45 बजे एक मर्सिडीज ट्रक अमेरिका द्वारा बैरक के रूप में इस्तेमाल की जा रही इमारत की लाबी से टकरा गया। लेबनान की राजधानी बैरूत में 9 सैनिकों को तैनात किया गया था। ये भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी और इसमें भी काफी नुकसान हुआ था अमेरिका। नेक्स्ट, ये सातवीं जो है ना आतंकवादी घटना थी द एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी की हत्या। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। दोनों गार्ड सिख थे, जिनमें से एक को श्रीमती गांधी 10 साल से जानती थी,
जो भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब का था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इन गार्डों पर भरोसा जताया, विश्वास रखा और ये उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ और उनका शिकार हो। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, देख लो इस दुर्घटना को, इस आतंकवादी घटना को ध्यान। आठवीं घटना थी 9/11 अटैक ऑन अमेरिका, यानी अमेरिका पर 9/11 का हमला। ओसामा बिन लादेन की अलकायदा संगठन के 19 आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया और इतिहास में सबसे खूनी और सबसे परिणामी आतंकवादी कृत्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसलिए जो है इस आतंकवाद के रावण का वध करना होगा और सारे देशों को मिलकर करना होगा। विश्व का कुछ छोटे मोटे कंट्री बचे हुए हैं, नहीं लगभग सभी कंट्रियों में आतंकवाद की जड़ें पहुंच चुकी हैं। अगर इसको एकजुटता और एकता के साथ नहीं लड़ा गया तो ये सभी देशों के लिए घातक। और नौवीं घटना थी मुंबई एंड द लश्कर ए तैयबा, यानी मुंबई में लश्कर ए तैयबा का हमला, जो नाव से आए थे आतंकवादी, उन्होंने किया था। कट्टरपंथी इस्लामी समूह लश्कर ए तैयबा LET के 5-5 आतंकवादियों की दो टीमों ने 26 नवंबर से 29 नवंबर 2008 तक 4 दिनों में गोलीबारी और बम विस्फोटों की एक सुमनी श्रृंखला के साथ भारतीय शहर मुंबई पर हमला किया था। भारत बहुत सालों से आतंकवाद का शिकार है। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, बी केयरफुल। और दसवीं घटना थी मोसुल की, जो 2014 में हुई, एंड ISIS की घटना थी। जून 2014 की शुरुआत में अलकायदा के इराकी गुट के पुनरुत्थानवादी उत्तराधिकारी ISIS के सैकड़ों सदस्यों ने इराकी सेना को हरा दिया और इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल सेल पर कब्जा कर लिया। यह हमला एक सावधानी पूर्वक नियोजित रणनीति की परिणति थी, जो 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहे। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो और दूसरे देशों के नेताओं, इन घटनाओं को ध्यान से देखो और अगर आप एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो ये घटनाएं होती रहे। और मैंने इसका जो है ऑपरेशन रावण वध, इस वीडियो का नाम ऑपरेशन रावण वध क्यों दिया, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी वनवास में अपना 14 साल का वनवास काट रहे थे तो वहां पर रावण की बहन सुपर्णखा आती है और लक्ष्मण के सामने प्रणय प्रेम का जो है प्रस्ताव रखती है, लेकिन लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ये तपस्वी का जीवन जी रहे थे और लक्ष्मण जी तो एक जति पुरुष थे, उन्होंने उनको बार बार मना किया। बार बार मना करने के बाद वो नहीं मानी तो ये एक तरह से आतंकवादी हमला था लक्ष्मण जी पर, उनकी मर्यादा पर। तो उन्होंने गुस्से में आकर सुपर्णखा की नाक काट दी। जैसे ही वो नाक कटी तो वो सुंदर सी स्त्री राक्षसी में बदल गई और वो रोती हुई रावण के पास गई। जब रावण को इस बात का पता लग गया तो सीता माता जी को वन में से कुटिया में से साधु का वेश धारण करके छल कपट से एक आतंकवादी रूप में सीता माता को उठा के ले गई। अब वहां पर श्री रामचंद्र जी को इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था तो रामचंद्र जी का साथ देने के लिए इससे पहले लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। पक्षी भी लड़ रहे थे इस लड़ाई को, जटायु। अपना श्री रामचंद्र जी से पहले तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, सीता माता को छुड़ाने की कोशिश की और इसके बाद नल और नीर ने समुन्द्र के बीच में पुल बनाया और हनुमान जी वहां गए और रावण दरबार में रावण का घमंड तोड़ के आए, उनकी पूछ में आग लगा दी थी और वो पूरी लंका को जगह जगह जला के आ गए। उसके बाद अंगद जी गए और अंगद ने वहां पर पैर जमा लिया और कोई भी रावण के दरबार में उनके पैर को उठा नहीं पाया। अब विभीषण ने भी देखा, जो कि रावण के सगे भाई थे, उन्होंने देखा कि रावण तो गलत कर रहा है और सीता माता को उठा के उसने गलत कार्य किया है। वो भी वहां से लंका को छोड़ के और रामचंद्र जी की मदद के लिए आ गए। अब हमारे जो
जस्टिन ट्रूडो जी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वो कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी 13 आतंकवादी मारे गए रिसेंटली, इसमें जो है ना भारत की एजेंसी रहा का। अरे भैया ट्रूडो जी, अभी तो रहा ने तो शुरुआत ही नहीं की है, ये तो जो आपस में गैंगवार के शिकार हैं या कोई और लोग लगे हुए हैं, अभी तो भारत इस लड़ाई में उतरा ही नहीं है। तो अभी तो ये हमारे जटायु नलनी हनुमान जी अंगद और विभीषण ही लगे हुए हैं, यूएनओ के जटायु, यूएनओ के नलनीर, यूएनओ के हनुमान जी, यूएनओ के अंगद जी, यूएनओ के विभीषण जी, वही जो है ना इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। और जिस दिन राह सामने आ जाएगी तो ये पन्नू जैसे जो है ना आतंकवादी ये ढूंढ नहीं मिलेंगे। इसलिए आप भारत और रा का नाम बदनाम मत करो, ये तो इनके कोई और ही है जो जैसे श्री रामचंद्र जी की मदद की थी रावण युद्ध से पहले और रावण का वध करने से पहले, ऐसे ही हम लोगों का धन्यवाद देते हैं जो इन आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं और धरती माता पर शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने इनको जटायु नलनी हनुमान जी अंगद और विभीषण नाम दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी मोदी जी की शरण में आ जाओ और मोदी जी के साथ मिलके जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो है ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन आतंकवाद को खत्म करने की साइन की थी, उसकी पालना करो और इन आतंकवादियों को अपने देश के नागरिक बताना बंद करो। इनके समर्थन से आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और आपके देश का पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। और भारत तो दृढ़ता के साथ लगा हुआ है इन रावण जो आतंकवाद रूपी रावण है, इसको जो है ना ये टेररिज्म गोल्ड सिल्वर डायमंड स्मगलिंग वगैरह जो आतंक सोना चांदी हीरे की तस्करी नशीली दवाइयों पशु लकड़ी की तस्करी नशीली दवाओं पशु लकड़ी की तस्करी जबरदस्ती वसूली जुआ अपन सुपारी देकर हत्या ऑनलाइन धोखाधड़ी हवाला मानव तस्करी वैश्यावृत्ति यानी ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल बहुत चल रही है, तो भारत देश तो इन दसों को आतंकवाद का पार्ट मानता है, कुछ परोक्ष रूप से है कुछ सामने से। इसलिए जो है ना इनको टेररिज्म का पार्ट मानते हुए सारे देश संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और एक बार मैं फिर जस्टिन ट्रूडो जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी कुटिल चालों को छोड़ के चीन या पाकिस्तान की बहकावे में न आके अपना सही तरह से बर्ताव करें भारत के साथ। इसमें जो है ना कनाडा का ही ज्यादा नुकसान होगा, भारत एक उभरती हुई शक्ति है और आर्थिक शक्ति। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आतंकवाद के ऑपरेशन रावण यानी आतंकवाद खत्म होके रहेगा एक दिन, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के लोग देख सकें, पॉलिटिशियन देख सकें, फॉरनर जो लीडर्स हैं वो भी देख सके और उनके कुछ समझ में आए कि आतंकवाद कितना खतरनाक है और दुनिया के लिए कितना नुकसान देह। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तीनों चैनल एडुटेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडुला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ग्रुपों में शेयर करना और हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।